YouTube पे लेमिंगटन रोड पे काफी लोगों ने YouTube पे वीडियो डाले हैं। गाइस इन्फिनिटी गैजेट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे इतना बड़ा कैमरा दिख रहा है आपको, बहुत सारे लाइट्स ऑप्शन भी है इसके अंदर। वो रेडियन सीरीज का RX 570 आप ले सकते हो। okay. एसरो ने अच्छा। यहाँ पे लेमिंगटन रोड पे दुकानदार के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। यस, हम लोग आ चुके हैं भाईकला में, लेमिंगटन रोड जाने वाले। सो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लोग बिगनर हो या फिर आपको पीसी बिल्ड करवाना है अपना खुद से, सो ये व्लॉग पूरा एंटर देखना। यहाँ पे आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ, कहाँ से आप लोग ले सकते हो। एंड यहाँ का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको एड्रेस, सो आप लोग विजिट कर सकते हो। अगर आपका बजट है, अगर आपको अंडर 50K या फिर उसके कम में आपको पीसी बिल्ड करवाना है एडिटिंग के लिए या ऑफिस वर्क के लिए या फिर गेमिंग के लिए, अगर आप व्लॉग वगैरह बनाते हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप स्टूडेंट हो, तो यहाँ से आप लोग पीसी वगैरह ले सकते हो। सो ऐसी मार्केट के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। गाइस, हम लोग अभी पहुँचने वाले लेमिंगटन रोड, और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप लोग ग्रैंड रोड से भी आ सकते हो या फिर आपको भाईकला स्टेशन भी नज़दीक पड़ेगा, तो मैं भाईकला से आया हूँ यहाँ पे। सो और यहाँ पे आप टैक्सी वगैरह से आ सकते हो अगर आप सेंट्रल में रहते हो। सो यहाँ पे आपको मार्केट एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। सो ये जो मार्केट है वो मंडे से लेकर सैटरडे तक चालू रहता है और संडे को जो है वो बंद रहता है। मैं देख सकते हो लेमिंगटन रोड पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो लाइन से पूरे पीसी सेटअप वगैरह होता है यहाँ पे प्रॉपर, और आपको बेस्ट दुकान बताने वाला हूँ और मैं भी यहाँ पे प्राइस वगैरह निकालने वाला हूँ। सो आपको सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। सो चल चलते और मार्केट एक्सप्लोर करते और आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं कहाँ से पीसी लेने वाला हूँ। ये गैजेट वर्ल्ड गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड यहाँ पे डिजिटल अलायंस करके शॉप है। यहाँ पे भी आप गेमिंग पीसी वगैरह बना सकते हो। एंड ये भी अलग ही शॉप है कर्मा करके, देख सकते हो आप। लेटेस्ट सारे प्रोसेसर आपको देखने मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे ग्राफिक कार्ड वगैरह, जितना आपको हैवी गेमिंग करना है, कैसे टाइप का गेमिंग करना है आप इनको बता दो, आपको सारी चीज़ें ये लोग बता देंगे। एंड यहाँ पे कौन सा तो है 99 गैजेट्स करके, ये भी अच्छी शॉप है। यहाँ पे देख सकते हो स्पीकर वगैरह आपको दिख रहा है ये अंकल की शॉप में, ये भी देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। अभी देखते हैं आगे चल के लेते हैं सारी चीज़ें। एंड हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे भी है, बहुत सारी शॉप है गाइस। मैं गया था वो शॉप पहले विजिट किया था, ये एमटेक वर्ल्ड करके शॉप है। यहाँ पे भी देख सकते हो इंटेल का आपको प्रोसेसर, राइजन का ग्राफिक कार्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। गाइस इन्फिनिटी गैजेट्स हैं यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी आप लोग बहुत सारे मतलब इनके वीडियोस है। सो आप लोग यहाँ पे भी मैं निकाला था जो आपको बजट बताता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसर वगैरह मिल जाएगा आपको, सारे एसोस वगैरह, सारे मदरबोर्ड आपको मिल जाएगी। सो अंदर जो है मैं आपको लेके जाऊँगा एक शॉप में, सो वो शॉप का आपको वीडियो पूरा बताऊँगा और मैं क्या क्या उसकी प्राइस रेंज है वो सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है आगे व्लॉग में। सो गाइस माइक भी है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आप लोग ले सकते हो। ये कैसा माइक? 2000 रुपये का। और भी है क्या आपके पास माइक्स में? वायरलेस ये वाला कौन सा है? विदाउट वायर है, अपना स्टूडियो माइक है। स्टूडियो माइक है, अच्छा ऐसे में ही चाहिए मुझे क्लियर में। ये वाला नहीं, ब्लॉगिंग के लिए नहीं चाहिए मुझे, सेटअप के लिए चाहिए। लाइन से आपको शॉप पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है गाइस, ये आपको कीबोर्ड वाईफाई वगैरह सब चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको कैमरा दिख रहा होगा, कैमरा मिल जाएगा आपको सिक्योरिटी का। यहाँ पे माउस पैड का आपको, कीपैड का, माउस पैड है आपके पास? कैसा है ये? बड़ा है, अच्छा। और ये वाला क्या है? ये लैपटॉप कवर है। मैं एक जन के ऊपर चढ़ गया था गाइस। यहाँ पे इतना बड़ा कैमरा दिख रहा है आपको, बिग बॉस के घर में जो कैमरा होते हैं गाइस वो भी कैमरा आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये है व्यू सोनिक गाइस, यहाँ पे भी बहुत बड़ी शॉप है इनकी, देख सकते हो AMD राइजन वगैरह सारे प्रोसेसर आपको मिल जाएंगे लेटेस्ट, सारे गेमिंग वाले, हार्डकोर गेमिंग, जैसे आपको गेमिंग करना है तो यहाँ पे आप आ सकते हो। सो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी शॉप पे, जहाँ पर जितना भी मैंने मार्केट बताया आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे कोई फिक्स प्राइस नहीं है, आप लोग आके यहाँ पे बार्गिन कर सकते हो
और प्रॉपर ले सकते हो, यहाँ पे कोई फेक प्रोडक्ट्स नहीं है। बट बहुत ध्यान से लेना और पूरा व्लॉग देखना तो आपको पता चल जाएगा अगर जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। सो आप लोग भी, मैं तो यहाँ से ही पीसी बनाने वाला हूँ, सो आपको बताता हूँ। तो मैक्सिट गाइस, मैक्सिट वर्ल्ड, तो यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, यहाँ पे अपना गेमिंग सेटअप बनाने वाला हूँ, सो आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। देख सकते हो इनके शॉप में आपको यहाँ पे अलग अलग ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, यहाँ पे मदरबोर्ड्स भी है ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हो आरजीबी फैन का कूलर भी है सामने, और यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब कोर प्रोसेसर वगैरह है। और यहाँ पे अभी मेरा सेटअप रेडी हो रहा है, आपको बताता हूँ पूरा कैसे बनने वाला है। तो पूरा यहाँ से आपको पूरा पीसी का सेटअप मिल जाएगा, यहाँ पे आरजीबी लाइट्स है, यहाँ पे फ़ैन वगैरह वाइट कलर में है, ये ब्लैक कलर में है, और ये भी ब्लैक कलर में है। यहाँ पे भी नॉर्मल वाला भी आपको मिल जाएगा अगर लाइट वगैरह कुछ नहीं चाहिए तो। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये भी पूरा आपको गेमिंग मॉनिटर मिल जाएगा एक्सर का, ये भी मॉनिटर है गाइस। प्राइस बढ़ाओ मत, प्राइस कम करके दो, मुझे डिस्काउंट चाहिए। यहाँ पे मेरी एसएसडी आ चुकी है, ये मैट्रिक्स की एसएसडी है गाइस। एंड ये जो एमएसआई का ये मदरबोर्ड होने वाला है, तो कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं आपको पूरा बताऊंगा। देखो मॉनिटर गाइस, कैबिनेट निकाल रहे अभी, क्या क्या होने वाला है सेटअप में बताओ मुझे। ये एमडी का प्रोसेसर आएगा, एमडी रेजन 5550 6 core 12 thread है। ओके ओके, ये एमएसआई का मदरबोर्ड आएगा B450 MA Pro VDX Max। अच्छा, 1 TB मेमोरी, इसका एसएसडी आएगा 5 year 4 GB, ठीक है। 1650 GB का ग्राफिक कार्ड है, वो सिर्फ 4 GB। ओके, और ये सर्कल का पोर्ट सप्लाई है 500W 80+ 3 year warranty है। ओके ठीक है, और ये 4 fan full RGB कैबिनेट है, सर्कल X1 मॉडल है। ओके, तो इसमें यहाँ पे भी लाइट आएगी ना, 7 color light। अच्छा ठीक, और ये मेरा आ चुका है ग्राफिक कार्ड 8 GB और Radeon का, सो ये वाला मैं ले रहा हूँ। अपने पीसी के सारे कंपोनेंट्स तो देख लिए, अभी इसका प्राइस जो है मैं आपको बताता हूँ। और आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे आपको शॉप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। एंड मैंने तो यहाँ से ही पीसी बनाने वाला हूँ, सो आपको दिखाता हूँ फाइनल कैसे होने वाला है, और पीसी भी बिल्ड आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने सब चीज़ तो दे दी, लेकिन अभी कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड माउस कौन सा चाहिए आपको? मुझे RGB वाला चाहिए, अच्छा चाहिए, फास्ट टाइपिंग जिसमें हो पाए। तो गाइस ये वाला कीबोर्ड और माउस का KM500W मॉडल है इसका। अच्छा, सो ये अच्छा गेमिंग वाला भी है और एडिटिंग वाला भी है। तो ये 32 इंच बड़ा हो जाएगा शायद, मुझे लग रहा है। सो हम लोग 27 इंच भी इसका देखते हैं, या फिर दोनों में से एक कोई भी लेते हैं। सो आपको बताता हूँ मैं आगे कौन सा लेने वाला हूँ। लेने वाला है पूरा हमारा सेटअप, पीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है आपको पता चल रहा है। ये कूलर है, ये फिर ये SSD है, ये Ryzen का प्रोसेसर है, ये मदरबोर्ड है, एंड ये जो होने वाला है वो रैम होने वाला है क्रूशल का। सो मैंने लिया यहाँ से। गाइस मैं आ चुका था यहाँ पे मैक्सिट में, इनके पास मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे गेमिंग पीसी वगैरह, अगर आप लोग डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर हार्डकोर गेमिंग करते हो सो यहाँ पे आप आ सकते हो इनके पास। सो ये भाई है जो बताएंगे आपकी शॉप के बारे में और क्या क्या मिलता है यहाँ पे। अच्छा, तो हम पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी जो शॉप है वो लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ओके। मैक्स आईटी वर्ल्ड करके एकदम गली के कॉर्नर पे ऑरेंज कलर का बोर्ड है। अच्छा, मैक्स आईटी वर्ल्ड NX करके, ठीक है। अगर आप कोई भी, जैसे ये आप वीडियो देखोगे तो इसमें से लेमिंगटन रोड अगर आप कोई भी आते हो तो मैक्स आईटी वर्ल्ड में एक बार जरूर विजिट करना। आप हमसे खरीदो नहीं खरीदो ठीक है, पर एक बार मैक्स आईटी वर्ल्ड में आप आना, क्योंकि आपको यहाँ पे काफी चीजें देखने मिलेगी। सारे ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, वीडियो में चाहिए तो आपको बता देते हैं भाई, गीगाबाइट्स के मतलब छोटे है ASUS जो भी है, एंड सारे प्रोसेसर Ryzen, AMD, आपका इंटेल, गीगाबाइट्स के मतलब बोर्ड MSI के, ASUS के, सारे क्वांटिटी में अवेलेबल स्टॉक आपको मिलेंगे। मॉनिटर्स में भी सारी चीजें मिलेगी, कैबिनेट्स का भी सब मिलेगा आपको। अच्छा, अभी फाइनली इन्होंने जो पीसी हमसे बिल्ट किया है ये भी सुबह लगभग 11-12 बजे आए थे। 8-10 दुकानों में ये भी जाके आए, उनको कोई सस्ता दे रहा था, कोई महंगा दे रहा था, फिर कोई कुछ कंफ्यूजन में डाल रहा था, फिर उनको फाइनली ठीक हम लगे, पता नहीं हमारा कोटेशन जो भी है। हाँ। हमसे इन्होंने 4-5 हजार महंगा ही खरीदा है, पर बाकी जगह पे इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा था वैसा। अब इन्होंने Ryzen 5 लिया है, 5500 Ryzen 5, जो कि ये 6 core 12 thread आता है, ये कंपेयर टू Core i5 12th generation है।
अगर आप इंटेल का कोर i5 12th जनरेशन लेते हो तो उसके कंपैरिजन में आप राइजन 5 5500 ले सकते हो या फिर आप राइजन 5 5600 ले सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइस है 10,500 रुपया, 10,500 विद द जीएसटी ऑल इंक्लूसिव। और इसके कंपेटेबिलिटी में इन्होंने मदरबोर्ड जो लिया MSI B450 A Pro Max, इसमें NVMe स्लॉट भी है और माइक्रो ATX मदरबोर्ड है। इसका प्राइस जो है 4,500 ऑल इंक्लूसिव रेट है। और ये जो प्रोडक्ट्स है आपके वो सारे वारंटी में विद द 3 इयर्स वारंटी ऑल पार्ट्स। अच्छा। मैं वारंटी सॉरी बोला नहीं, प्रोसेसर की भी वारंटी 3 इयर्स है और राइजन AMD का ऑथराइज पार्टनर हूं मैं। अगर मेरा बिल भी आपके पास नहीं और मैक्सिटी वेट आप बोलोगे तो भी आपका प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ओके ओके, सो ये बहुत अलग चीज है। और इस पे सीरियल नंबर सारे मेंशन है। अच्छा। यहाँ पे लेमिंगटन डॉट पे दुकानदार के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने का, एक बार इसकी वारंटी आप ऑनलाइन पे भी सर्च कर सकते हो। अच्छा। जेन्यून है कि नहीं है। इसमें एक बारकोड भी दिया है कंपनी ने, इस बारकोड को भी सर्च करोगे तो भी आपको जेन्यून अनजेन्यून का पता चलेगा। अच्छा। आप वेरीफाई कर ले यूट्यूब पे, लेमिंगटन डॉट पे काफी लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं। मैं पर्टिकुलर कोई व्यक्तिगत कोई दुकान का नाम नहीं लूंगा, व्यक्तिगत कोई दुकान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो खाली वीडियो भी नहीं देखना, एक आदमी को भी आप परखो दुकान के अंदर आप आ रहे हो तो आपको कैसे वो सजेस्ट कर रहा है, टेक्निकल बंदा उनके पास है कि नहीं है। हाँ। खाली प्राइस देने से काम नहीं होता है, 2-4 हजार सस्ता महंगा मैटर नहीं करता है, बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। बहुत बिल्कुल, यानी लोएस्ट प्राइस कोट कर देते हैं आपको, पहले समझो 35,000 का कंप्यूटर आपको 29,000 दे देंगे, 25,000 कोट कर देंगे, बाद में घुमा फिरा के वो फाइनली 30,000 40,000 तक लेके जाएंगे। सही बात। तो वो बहुत कंफ्यूज करता है, मतलब कस्टमर जो घर से मूड बना के आता है खरीदने वो लेके नहीं जाता है, कुछ और ही ले लेता है क्योंकि वो कंटाल जाता है, थक जाता है वो कस्टमर। तो अपने को वैसा नहीं फंसना है, थोड़ा बहुत घर से आप डिसीजन लेके आओ और एक एक चीज आप वेरीफाई करो। और आजकल आप यूट्यूब पे नहीं तो गूगल पे सर्च कर सकते हो हर प्रोडक्ट को। अच्छा, इन्होंने ये दो आइटम के बाद में 8 GB की दो रैम ली है, मतलब ये 16 GB ले रहे थे, बाद में मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप फ्यूचर में समझो एक रैम खराब हुई तो दो रखो ऑप्शन, कि एक रैम आपका रिप्लेसमेंट होकर आएगा तब तक एक पे आपका कंप्यूटर ऑन है। और उसके बाद में इसकी वैल्यू है एक रैम की 1200+ टैक्स, मतलब जो भी है 1400 रुपए का एक रैम है और विद 3 इयर्स वारंटी है। और इन्होंने एक 1 TB की मैट्रिक्स की SSD ली है, SSDs में अभी के टाइम पे काफी प्राइस हाई है, फिर भी ये इन्होंने 4,000 रुपीज में लिया, 1 TB की 3 इयर्स वारंटी है। ओके, ठीक है। और ये RX 570, मतलब अभी के टाइम पे 8 GB में सबसे लोएस्ट प्राइस में जो ग्राफिक कार्ड है वो ये है। अच्छा। और लोग 8 GB RTX 3050 देखते हैं। हाँ। 20,000 रुपए के आसपास आता है, या फिर 3060 RTX देखते हैं 12 GB जो 24,000 के आसपास कुछ आता है। तो एज कम्पेयर टू अपने को अपना पैसा बचा के 8 GB जो ग्राफिक कार्ड है वो रेडियन सीरीज का RX 570 का विद 3 इयर्स वारंटी है, न्यू पेटी पैक बॉक्स पैक आता है। अच्छा। ठीक है, सीरियल नंबर वगैरह मॉडल नंबर सब इस पे मेंशन रहता है। सो इसका भी गारंटी वारंटी 3 इयर्स वारंटी है। यस, 3 इयर्स वारंटी है। और ऑलरेडी आपको बिल मिल चुका है GST वाला। राइट, ठीक है। और उसके बाद में कीबोर्ड माउस है, ठीक है, कीबोर्ड माउस इतना बड़ा मैटर नहीं है, और भी बहुत चॉइस है, आप चॉइस करके ले सकते हो। ये एंड स्पोर्ट का KM 5500 है, कुछ 850 रुपीज का है ये, ठीक है, विद RGB है। और कैबिनेट हम लोग ने सर्कल का लिया है, ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे बहुत सारे कैबिनेट्स हैं, आपको कौन सा पसंद आ रहा आप ले सकते हो, पर इनको जो पसंद आया वो ये सर्कल का आया अप मॉडल करके, इसकी प्राइस कुछ एवरेज 3000 है विद 4 RGB है, ARGB है, X1 ARGB 4 फैन है इसमें। अच्छा। हाँ, 4 फैन के साथ है। इसका भी बनिया वारंटी है, डब्बे का भी बनिया वारंटी आता है। ओके। उसके बाद में इन्होंने मॉनिटर जो लिया नाइट्रो है, जो कर्व्ड वाला है, गेमिंग FHDA 180Hz वाला लिया है, एसर कंपनी का। इसका कुछ प्राइस मेरे को लग रहा है कुछ 13,000 के आसपास होगा, जो भी अप्रोक्स। हाँ, ये इसका भी वारंटी 3 इयर्स वारंटी है। ओके। और पावर सर्कल का पावर सप्लाई लिया, लोग बोलते हैं गीगाबाइट का लें तो अच्छा है, कूलर मास्टर का लेंगे तो अच्छा है, कोर्सर का लेंगे तो अच्छा है। हाँ। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब लोगों ने एक ही फैक्ट्री से माल बनाया हुआ है, खाली इम्पोर्टर अलग अलग है। Right. उसके जो मैन्युफैक्चर जो है वो लोग सब अलग अलग हैं, बाकी ऑलमोस्ट वही चीज है। अच्छा। तो ये भी अच्छा है, 3 इयर्स वारंटी आपको प्रोवाइड कर रहा है कंपनी, और रिप्लेसमेंट वारंटी है, अगर ये मेरे पास भी लेके आओगे तो मैं आपको तुरंत रिप्लेसमेंट करके। Okay. इसका क्या प्राइस रहेगा? ये अपने को 2500 के आसपास कुछ है, एवरेज 2000 प्लस टैक्स जो भी है, ठीक है, अभी ये फाइनली। और एक चीज, मॉनिटर का प्राइस क्या आपने? 13-14 हजार के आसपास इसका एग्जैक्ट प्राइस है। ओके। मतलब आप प्राइस रोज अप डाउन होते रहते हैं, आप जब भी अगर लेमिंगटन आओगे तो फिर से हमारे से एक बार कोटेशन आप निकालो, ठीक है, और प्राइस आप लेमिंगटन में आओगे तो समझो मैक्स एडिवर्ट से कोटेशन लिया तो 2-3 दुकान से और आप प्राइस निकाल दो, फिर हमारा प्राइस अगर बेस्ट लगे तो हमसे लेना है, पर एक बार मैक्स एडिवर्ट में जरूर विजिट करना, हमारे पास जो टेक्निकल जो पर्सन है उससे आप कम से कम मिलके जाइए। ओके। कि आपको आपका जो काम करना उसके लिए कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए,
कौन सा मदरबोर्ड लेंगे तो बेटर है। अच्छा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको तो वीडियो एडिटिंग करना है और i9 का 13900K 14900K जब वीडियो एडिटिंग अगर करना है तो वो एक i7 14700 लेके भी कर सकता है। हाँ। पर टेक्निकली इतना उनको डीपली नॉलेज नहीं होता है, किसी और के पास पीसी देखा हुआ सेम टू सेम हमको बनाना है तो हाँ। आपके पैसे आप बचा सकते हो, आपको प्रॉपर सजेशन यहाँ पे मिलेगा जो आपको रिक्वायरमेंट होगा वही। अगर आपका पीसी लाख रुपए में बन रहा है उसमें 10-15 हजार और बचाने हैं तो कैसे बचाने वो आइडिया देंगे। और मैक्स आईटी वर्ल्ड अपना जो है वो एग्जैक्ट लेमिंगटन पुलिस स्टेशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट शॉप है। अच्छा। अगर आप लेमिंगटन रोड आते हो वो सिग्नल से आप चलते 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 आगे आओगे तो थोड़ा दूर है, लेकिन लेमिंगटन पुलिस स्टेशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट है मैक्स आईटी वर्ल्ड। बाहर एक गन्ने का जूस वाला है और सामने भी शॉप है ना एक हमारा एक एग्जैक्ट ऑपोजिट मैक्स आईटी वर्ल्ड भी है, ठीक है, वो थोड़ा स्मॉल शॉप है। और ये मैक्स आईटी वर्ल्ड एनएक्स है, ये थोड़ा बड़ा शोरूम है, आप आ सकते हो लेमिंगटन रोड कभी भी। और इसमें मैं भाई को बोलेंगे, एक हमारा विजिटिंग कार्ड भी आपको शेयर कर देंगे, एक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी ये डाल देंगे तो आप उससे हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो दुनिया वीडियो बनाती है, मैं आपको एक और बोलूंगा कि अगर आपको कुछ हमारी हेल्प भी लगे तो कभी भी याद करना विजिटिंग कार्ड पे नंबर रहेगा। अगर आपका कोई हाई एंड पीसी, आपकी कहीं गाड़ी अटक रही है, सर्विस में तकलीफ आ रही है, वारंटी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई ऐसी चीजें होती है तो बहुत बार आदमी एकदम इरिटेट हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि यार करूं तो क्या करूं, तो उसके लिए भी कभी कुछ जरूरत पड़ी तो आप याद करना, खाली खरीदने के लिए नहीं। हाँ। और लेमिंगटन आओगे तो जरूर विजिट करना। सो गाइज, अभी हमारा पीसी सेटअप होने वाला है, सो आपको दिखाता हूँ क्या क्या कंपोनेंट्स लगने वाले हैं मेरे पीसी में। और ये देख सकते हो अभी प्रोसेसर लग चुका है एंड इसके ऊपर एक कूलिंग फैन आता है, सो वो अभी फिट कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोसेसर पूरा मदरबोर्ड के अंदर लगता है और सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, जैसे कि हमारा रैम हो गया, SSD हो गया, सारी चीज़ें ये मुझे टेक्नीशियन फिट करके देने वाले, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है ये। एंड ये देख सकते हो मेरा ग्राफिक कार्ड गाइस, 8GB का ग्राफिक कार्ड है ये, अगर आपको हाई गेमिंग वगैरह करना है So, ये वाला ग्राफिक कार्ड मैंने लिया था यहाँ से। और देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे कंपोनेंट्स बहुत अच्छे लगे इसके, मेरे पीसी के। और देख सकते हो अभी ये मेन पावर सप्लाई, इससे ही पूरा प्रोसेसर चलेगा, पूरा मदरबोर्ड पावर सप्लाई करेगा ये पूरा। बहुत सारे केबल्स है इसके अंदर, बट देखते हैं कैसे फिट होता है अंदर, केबल्स दिखे नहीं गाइस, आई होप। एंड यहाँ पे देख सकते हो 4 फैन है गाइस, सो ये वाला फैन में भी लाइट आएगी। एंड ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस अभी हम लोग लगा रहे हैं SSD, जो कि 1 TB की SSD है गाइस। एंड पूरा लिट अप हो चुका है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हो कितने सारे कलर ऑप्शन है। बस इसका कैबिनेट एक बार फिक्स करते हैं और ये देख सकते हो साइड से कुछ ऐसा लग रहा है। सो आप लोग कमेंट पर ज़रूर बताना मुझे कैसा लग रहा है ये। और ये देख सकते हो अभी विंडोज़ का सेटअप स्टार्ट हो चुका है हमारा, सो विंडोज़ भी इंस्टॉल करके मुझे यहाँ से ही मिला था, सो आप लोग बोलोगे तो वो लोग इंस्टॉल करके देंगे आपको। एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे परचेस करके, एंड देख सकते हो कितने सारे कलर ऑप्शन है वो मुझे बता रहे हैं। एंड ये देख सकते हो मॉनिटर की भी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, सो आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा किस टाइप की क्वालिटी आपको मिलेगी यहाँ पे। एंड ये देख सकते हो अभी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं। एंड ये अभी कर्व मॉनिटर है गाइस, ये फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर नहीं लिया बिकॉज फ्लैट स्क्रीन बहुत सारे अभी ऑन हो चुका है ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में। सो गाइज, हमने पीसी ले लिया और चलो चलते हैं घर पे और चल के अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे पूरे सेटअप पे और आपको बताऊंगा प्रॉपर चीज़ें। ये देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है, ये मैं न्यू हाईवे से गया था यहाँ से मुंबई से, और ये देख सकते हो टेबल पे कैसा लग रहा है प्रॉपर सेटअप। मैं आपको पूरा सेटअप जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा मेरे रूम टूर के इसमें।